नमस्कार दोस्तों, जो आप हमारा हताई कार्यक्रम है जिसके स्पॉन्सर है JNC जिंक जोधपुर। आज हम आपके सामने इंटरव्यूज के अंदर रूबरू कराते हैं जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी विश्नोई। उन्होंने क्या कहा, हम पर्यावरण को लेकर के कितने सालों से कार्य कर रहे हैं और कौन कौन से वे से हम कर रहे हैं, सब चीज़ें उनके बारे में हमने उनसे जाना और उन्होंने क्या कहा और फॉरेन आने से पहले वो आपके सामने इंटरव्यू किया, वो आपको पेश है। और दोस्तों, उन्होंने भी आर्थिक मदद के रूप में सहयोग करने के वादा किया कि आप आइए, हाँ, और मैं मेरी तरफ से फुल सपोर्ट करूँगा और आपको करवाऊंगा भी। हमने दोस्तों इसलिए यह जो पहली ट्रिप है, इसलिए हमने सपोर्ट नहीं लिया कि हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, पहुंचे हैं और यहाँ पर 18 तारीख को हम वापस आएंगे और फिर यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है और क्या क्या उस चीज़ में रिपोर्ट आती है और कैसे, तो उसके बाद हमारी दोस्तों दूसरे देश के अंदर ट्रेवल होगी, वो अफ्रीका भी हो सकती है और एशिया के कुछ सिंगापुर, मलेशिया और कुछ यूरोप जैसे जॉर्जिया आदि देशों के भी हम जा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक विश्नोई। आज हमारे साथ जो हताई प्रोग्राम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा, उस कार्यक्रम में विश्नोई समाज के जो आज के समय में जाने माने शख्स जसवंत जी विश्नोई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और ये पूर्व में दो बार जोधपुर के जो सांसद हैं वो भी रह चुके हैं और भारत सरकार के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम जो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के साथ जो खेजड़ली शहीदी स्थल है और जो खेजड़ली बलिदानी है, उनको वर्ल्ड लेवल पे कैसे ले जाएं, किस तरह से क्या प्रयास किया जाए और उस हिसाब से हम इनसे सवाल और उनके जो विचार है वो जानेंगे। साथ ही जो हम ये मुहिम चला रहे हैं तो इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शुरू करेंगे, तो उसमें क्या क्या हम और किस किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमें रिजल्ट आ सके। आपका स्वागत है जी। तो आपसे ये निवेदन है, एक सवाल भी है कि ये 363 खेजड़ली बलिदान शहीद हुआ और एनवायरनमेंट को लेकर के आपने एक बार संसद में भी मुद्दा उठाया था, तो ये जो इसी घटना दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, तो ये वर्ल्ड लेवल और टॉप लक्ष्य पे क्यों नहीं आ रही, क्या वजह? कई कारण है, एक कारण नहीं है। एक तो अगर हम देखें तो हमारा समाज इतना लिटरेट नहीं था, नहीं इतना लिटरेट नहीं होने से आगे इसको विषय को हम आगे कहीं रख भी नहीं सके। दूसरी बात, अब जब से ये 77 में मेला शुरू हुआ पहली बार खेजड़ली का, और वो भी संत कुमार जी राहर थे, उन्होंने पता लगा क्योंकि पूरा पाठों से भाइयों से लेकर के कौन कौन लोग शहीद हुए, किस गांव के हुए, किस गोत्र के हुए, सारी जानकारी उन्होंने ली और उन्होंने लेकर के सारा प्रयास कर करके ये मेला शुरू कराया था। उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि इस तरीके कोई, हालांकि गाँव में आज भी, जब मुझे याद है मैं जब छोटा था तब लोग का जल्दी स्नान करते थे तो कहते थे भी कि क्या खरीदने जाना है, क्या सर खरीदने मतलब क्या सर कटाने जाना है क्या। तो ये बहुत मतलब अपने ये जब मुख हर आदमी की वाणी बन गई थी, तो तब उसके कई कारण हैं। अब उस कारणों पर मैं जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अभी आजकल लोग हर चीज़ को राजनीति जोड़ देते हैं, लेकिन कभी चिंतन मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ जब तक कोई भी संस्था जिसको आगे बढ़ाना है उसके लिए 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो तो कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। जहाँ तक मैं सोचता हूँ खेजड़ली के बारे में, तो खेजड़ली में सिर्फ मेला भराना, मेला जो है जनता आदि भर जाता है, तो एक दो घंटे चार घंटे का काम है जो संस्था की तरफ से करना पड़ता है, उसके अलावा ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। तो ऐसी संस्थाएँ हैं जिसको इतना समय, अगर समय पर अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 24 घंटे उसी के लिए काम देना पड़ेगा, और उसके लिए सामाजिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, राजनीतिक व्यक्ति के पास समय भी नहीं होता है, चाहे तो इतना समय नहीं दे सकता। तो इस पर जब तक समाज खुद फैसला नहीं करे या वो लोग फैसला नहीं करे तो इसके बारे में आगे कुछ कह नहीं सकते कि इसका होना क्या है। एक बात आपने इसमें बहुत अच्छी बात कही, एक मैं भी मेरी तरह सकता हूँ, जैसे समाज में कोई मेला बरसता है तो बोलते हैं भाई हमारा गर्व है कि किंग सुश्रेष्ठ हम शहीद हो गए, हम उस समाज से हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जब कोई आदमी बड़े लेवल पे पहुँच जाता है तो उस पर जैसे भाई MLA है, MPs है, तो उस चीज़ को वो कार्य कराने के लिए जब विधानसभा संसद में बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ क्यों नहीं उठा पाता, क्या मजबूरी हो जाती है?
संसद में तो मैंने कई बार उठाया है, इस विषय को उठाया भी है, लेकिन संसद इसके बारे में कुछ नहीं करती। जब तक आपकी आप वहाँ उठाने से क्या है, वो ठीक है जानकारी ले लेती है, जानकारी बाद में आज क्या रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। रिकॉर्ड जब तक अपने सारे सरकारी रिकॉर्डों में कोई गजट नोटिफिकेशन दूसरी बात हम जब तक अपन कुछ करेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, उतना रिकॉर्ड ढूंढेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कुछ क्या बोलोगे आप बताओ। मुझे पता है अमृत देवी विष्णोई पर्यावरण संस्थान जो बनी थी उसका मैं संरक्षक भी हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं मंत्री था राजस्थान कैबिनेट में तो अमृत देवी विष्णोई अवार्ड दो तरह के अवार्ड शुरू करे थे, एक संस्था को एक व्यक्ति के क्षेत्र में। कारण जब हमसे कई बार डॉक्यूमेंट मांगे, आप डॉक्यूमेंट लाए कितने लोग शहीद हुए कैसे थे, तो अपने जो डॉक्यूमेंट हमारे पास भाटों के भाई वही थे वही ला के दिए उनको भी, हमारे पास ये इतिहास हमारे पास में किस, तो उस आधार पर गवर्नमेंट ने मांग करके कर दिया, अवार्ड शुरू कर दिए उनके नाम से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारे दस्तावेज मांगती है कि ये दस्तावेज दीजिए तब काम होगा, तो दस्तावेज अपने पास कुछ है नहीं, और जब तक दस्तावेज नहीं होंगे तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। ये बात तो छत है कि दस्तावेज अपने पास में इसलिए नहीं थे कि राजाओं का राज था, जो भी दस्तावेज थे उन्होंने अपने हिसाब से गायब भी कर दिए या कहीं पता नहीं कहाँ उन्होंने दे दिए, समाज को कोई दस्तावेज दिया नहीं। कहते हैं ताम्रपत्र दिया, ताम्रपत्र भी अब किसी किसके पास में ये भी पता नहीं है। तो जब तक इसके बारे में सारी ये तो अपने सारी बातें जो उस समय संत कुमार राठौर बर्दन भी हमारे इस आधार पर हम ये चाह रहे हो, उसके कई कारण हैं, उन कारणों पर जाना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या करें ऐसी चीज़ें, देखो कि भाई ये बहुत काफ़ी टाइम घटना हुई तो, और जिस हिसाब से आज देखें तो हम जोधपुर के कुछ इलाकों में गए थे, कुछ लोगों को वहाँ पर भी पता नहीं है कहाँ ऐसा हुआ कैसा, बाहर की पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बहुत, ऐसा क्या करें कि पूरे जो वर्ल्ड के नक्शे पे ये चीज़ आ सके, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सब ने पेड़ पौधे की अहमियत भी, कई लोगों ने खेजड़ली के बारे में फेसबुक पे पोस्टें भी डाली, ट्वीट भी डाली कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उस तरह से अपन क्या करें अपन ऐसा कि ये तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे समाज के लोग 330 लोग हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति पेड़ों के लिए दे दी, और उस समय दीजिए पेड़ों की कोई कीमत नहीं थी, उस समय दी हमारे विष्णु समाज के लोगों ने, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन उसको उसके लिए जब तक ये इंडिविजुअल कैपेसिटी कोई नहीं कर सकता, ये तो समाज की संस्थाएं हैं, उन्हीं को आगे आगे आना पड़ेगा। एमपी कुछ नहीं कर सकता, एमएलए कुछ नहीं कर सकता, जब तक समाज की संस्थाएं सब लेवल बैठ करके बात करके भी हम कौन से सेक्टर में हमको कैसे क्या करना है। आपको जानकारी होगी पहले बदलाल जी थे, उन्होंने शिलान्यास भी कहते कई योजना भी स्वीकृत करें, बोला था कि हो जाए नहीं आई, कारण कि अपने कोई डॉक्यूमेंट दिए नहीं वहाँ, नहीं तो आ जाती शिलान्यास ही सारे गिर गए वहाँ से। तो अपन को उसके आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अपन को कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कार्रवाई समाज के आधार पर संस्था के आधार पर हो तो ठीक है, व्यक्तिगत आधार पर कोई कार्रवाई होना उसका कोई मायने नहीं रखता, उसको आगे तवज्जो भी नहीं मिलती, क्योंकि समाज का जब एक संस्था के लोग जाते हैं कि हमारी है ये है। और दूसरा इसको अपने कभी भी सोचा भी नहीं इसको हाईलाइट कैसे करना, जैसे आप अभी लगे हो मैं बधाई देता हूँ, आपको प्रयास कर रहे हो इसका, हम अच्छा काम कर रहे हो। तो जब तक हम सब लोग बैठ करके इसको बढ़ाने आगे मतलब इसको मोटिवेशन के लिए अपने लोगों को आगे और आगे उनको और उत्साहित हो उसके लिए ये सब समाज की संस्थाएं आगे काम करें, इसे भी काम होगा, क्योंकि आज के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है, मतलब गुड मार्केटिंग इट विल बी गुड। तो क्या विष्णोई महासभा को इस तरह का वो करना चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान सिर्फ इस एक ही वजह से ही है दुनिया के अंदर। अब ये बात सही है, देखिए अब दिक्कत जो है मूल दिक्कत ये है कि महासभा जो है वो मदद तो कर सकती है आर्थिक रूप से, उसको कोई मना नहीं है, वो करती है पूरे भारत में करती है। यहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है, खेजली का ट्रस्ट बना हुआ है, वो भी मदद कर सकता है, उनके पास भी कुछ फंड नहीं है तो करके भी कर सकता है। ये तो करना तो इच्छा शक्ति है अगले की, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है, इच्छा शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति है तो यहाँ का ट्रस्ट कुछ करके कर सकता है, वहाँ का महासभा मदद कर सकती है, अच्छे काम के लिए कौन मना करेगा। भाई देखो कि हम सामान्य लोग हैं, उस हिसाब से देखो हमारे पास खुद ना तो कुछ वो इतना बड़ा नाम है, टैग है, हम जैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अभी हमारा प्रयत्न है कि हम कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी करें, क्योंकि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उस चीज़ पे उतना ही वैल्यू बनेगी। तो क्या हम जो विदेश में करने का सोच रहे हैं क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, और उसमें वहाँ जाके क्या एक्टिविटीज़ करें ताकि उससे कुछ
कुछ एक दुनिया को संदेश जा सके। विदेश में भी देखिए, विदेश में क्या एक दो तीन बातें देखनी पड़ेगी। विदेश में एक तो जैसे विदेश में भी कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय, तो दो बातें हैं, एक तो अपना सस्ता भी कर सकती है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसका आधार पर कर सकती है। बिगेसी को मैं उसको जिसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है पेड़ों के लिए, और संसार वैसी कोई कौम नहीं है जिसने जैसे जो 330 पेड़ों के लिए अपने हस्ते प्राणों की आहुति देने, कौन सी कौम है मुझे बता दो संसार जिसने ऐसे पेड़ों के लिए जर जमीन और जोर के लिए सारी दुनिया मरती है, लेकिन पेड़ों के लिए प्राण देने वाले पेड़ों के लिए और वाइल्ड लाइफ को प्राण देने वाले कौम तो एक विष्णु ही है। तो ये कोई काम इतना असंभव भी नहीं है। और बता दो, ये भी नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये आपने सबसे हौसले वाली बात कही, क्योंकि मैं जब इस फील्ड में था 10 साल से, देखो आपके पास भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से मेरे को जिस तरह से गाइडेंस किया उस हिसाब से भी हम चले, तो अभी जैसे आपने ये किया कि ये असंभव नहीं है, तो क्योंकि पहले लोगों को ये लगता था कि ये कुछ हो नहीं सकता, इतने सालों से ये है वो है, तो अभी आपको कुछ भी सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आदमी की इच्छा शक्ति कुछ भी हो सकता है, अब सब कुछ अपने ऊपर है। और अब अपन को कहाँ से क्या करना कैसे करना वो तो अपना अपने वे ऑफ वर्किंग पर तय होगा कि अपन को किस रास्ते निकलना चाहिए ताकि अपन जा सके, भारत में चले जाओ या उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ विष्णु के बारे में। लेकिन एक सलमान प्रकरण हुआ, उसके बाद में लोगों को पता चल गया, पूरे भारत में आज ऐसे कोई कौम नहीं जिसको पता नहीं विष्णु कैसे लोग हैं। एक प्रकरण से बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल राइट, एक प्रकरण से पूरे भारत के लोगों को पता। अब कहीं अपनों को परिचय देने की जरूरत नहीं, विष्णु मतलब ये एनवायरमेंट के पक्ष के लोग हैं, ये अहिंसक लोग हैं, ये अपने प्राण की आहुति देने वाले लोग हैं। ये एक प्रकरण से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पहचान हो गई अपनी, जब परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ अपने ऊपर है, अपने इस काम को कैसे और किस ढंग से करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पहचान बनाने की समाज अगर तय कर ले, मैं कह सकता हूँ कि आज का अपने पास क्या कमी है, मेरे को ये बताइए, समाज के पास किसी न धन की कमी है, न दूसरी कमी है, न सरकार ऐसे सेक्टर में सरकार भी पूरी सहयोग करेगी, कई तो कोई पार्टी सरकार देश और प्रदेश किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी सरकार हो, लेकिन सरकार की मन से ये है कि एनवायरनमेंट पर लोग सतर्क करने के लिए अगर कोई समाज या कोई संस्था आ जाती तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। ये है सरकार की मनसा, कोई भी सरकार होगी उसकी मनसा यही है और पूरी विश्व की मनसा यही है। पहले विश्व ने एनवायरनमेंट पर सोचा ही नहीं था, हमने तो 330 पहले अपन 500 कितने वर्ष हो गए विष्णु समाज से, उस समय सोच लिया कि संसार और गुरुजंबे सर भगवान ने तो 500 कुछ वर्ष पहले कह दिया था कि जीव दया पाल ने ढूंढ लेने नहीं गावे, जीवों पर दया करो, अरे पेड़ मत काटो, ये तो उस समय कह दिया था, पेड़ों की कीमत नहीं थी, जीवों की कीमत नहीं थी। तो आज के दिन तो बहुत ज़रूरी है संसार को इस पर, वहाँ की जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनसे मिले, पॉलिटिकल से मिले, उनको भी इसके बारे में जगाए, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अभी हम शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो हम फिर बाहर भी चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आप अपना तो जहाँ भी अपन तो जहाँ जाते हैं उससे फर्क पड़ता है, तो जिस उद्देश्य को लेकर जाते हैं और फर्क पड़ेगा, उसमें कहाँ दिक्कत है, उसमें 100% पड़ेगा, कोई दोहरा ही नहीं है उसमें। जब अपन कोई मोटिव लेकर चलते हैं, कोई 330 लोगों ने जहाँ सेक्रीफाइस किया उनके नाम का, उनके जाति का आगे बढ़ाना है, उनके लोगों का दिमाग बैठाना है, तो ये अगर काम आप लेकर जा रहे हैं बढ़िया और क्या काम होगा। संसार के लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता, समाज के लिए इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। जरूर लोगों को इसका समाज को बेनिफिट होगा, सब जगह भाव होगी। तो अभी हम जैसे हम भाई देखो आप विष्णु समाज के आज के इस टाइम में आप सीनियर हो, तो अब हम जैसे बाहर योजना बना रहे, तो आप समाज से क्या अपील या कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में। देखिए मैं तो इतना कहूँगा कि आपको समाज से जो भी सहयोग करा सकते हैं पूरा सहयोग करेंगे, हमारे व्यक्तिगत स्तर भी करेंगे, समाज स्तर भी कराएंगे, महासभा से भी कराएंगे, खेजली वाला से इनसे भी बात करेंगे, अध्यक्ष और इन लोगों से, और कहेंगे कि जैसे इन लोगों को मोटिवेशन करके इनको मदद करो, इसको अपना ये अच्छा करने जा रहे हैं, अपना नाम नहीं करने जा रहे, समाज का नाम करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की हमको मदद करनी चाहिए। मैं सबसे कहूँगा ज़रूर मदद करो, क्योंकि पहले जब मैं ये करता था, देखो कि मैंने इसमें मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो जगह जगह हाथ पांव मारे, क्योंकि पहले ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो मैं अलग अलग तरह के वो अजीब अजीब कभी किसी को नेटा को टारगेट किया, कभी घोना बकरी, कभी लकड़ी है, कुछ कुछ मतलब इस तरह से किया कि कम खर्चे किस चीज़ से मैं अटेंशन में आ जाऊँ, तो मेरे को कहीं जगह विरोध का भी सामना पड़ता, कहीं बड़े हंसी मजाक का भी करना पड़ता। तो अभी क्या है कि वो हमने चीज़ें छोड़ दी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से करने से समाज के कुछ लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, कुछ आप अपना चाहता है, तो इस हिसाब से उस आइडिया के बारे में क्या, क्योंकि आपने भी कई बार नोटिस किया, तो उसके बारे में आपकी कुछ प्रतिक्रिया, वो जैसे गए भाई उगडाला किया बा गेलाई बा सोच ही किस आप उस टेंशन में देखना चाहते हैं।
मुंडेर 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 मथिर भिना, संस्कृत में बहुत बड़ा श्लोक है, जितने सिर है उतनी बातें हैं। किसी के सिर हर बात का जवाब अपने नहीं दे सकते। सही सही। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से बात रखता है। अच्छी सोचना अच्छी सोचेगा, बुरी सोचना बुरी सोचेगा, मजाक से मजाक मिलेगा, कोई कैसे मिलेगा, उससे उन बातों को परवाह नहीं करनी चाहिए। जब काम एक उद्देश्य लेकर चले हैं तो उस उद्देश्य में कोई लोग कई तरह की बातें करें, उसे कोई ध्यान भी नहीं देना चाहिए अपने। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।